पंजाब के किसी गांव के आदमी, पंजाब वाले मेहमान नवाज होते हैं भाई, तो मेहनती होते हैं, सुस्त नहीं होते। तो एक दो वो गांव में सफ़र कर रहे थे, एक आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक मुहाजिर था और एक पंजाब के कोई किसी गांव के थे ना। पंजाब वाले सेहतमंद होते हैं, मुहाजिर बेचारे पान खा खा के तो तमीज़ अपनी जगह है, दिमाग बहुत है, तहजीब है, मगर सेहतें नहीं हैं, सेहतें पंजाब में हैं। तो वो जो है ना, वो ट्रेन में सफ़र करते हुए ना, वो बेचारा मुहाजिर से वो उठ ही नहीं रहा था सामान ना ऊपर रखने। तो वो गांव का देहात का था एक, वो देसी घी लस्सियाँ वस्सियाँ पी हुई थी, आ गया ऐसे करके उठा के उसने ऊपर बर्थ पे रख दिया और बोला लस्सी पिया करो लस्सी। अब वो कराची वाला बेचारा ठिठर के और मुख्तसर हो गया, पहले ही मुख्तसर था और मुख्तसर। फिर आया, फिर वो उससे अब घी रखना है, कोई चीज़ रखनी रखी नहीं जा रही, वो उसने उठाया गाँव के देहात लस्सी पिया करो लस्सी। अब कई दफ़ा हो गया तो ये दिमाग इस्तेमाल किया इसने, इसने बोला बहुत बेइज्जती हो गई है उस्ताद। तो इसने शरारत ये की कि ये वज़न उठा के ना, वो जो जंजीर खींच के नहीं लटकाते जहाँ पे, वहाँ लटकाने की कोशिश शुरू कर दी। इससे लटका नहीं तो उसने आके लटका दी, लटका दी, बोला लस्सी पिया करो लस्सी। ट्रेन रुक गई, गार्ड आया, किसने बोला, इसने 500 रुपये जुर्माना लिया चला गया। तो इसने बोला चाय पिया करो चाय। चरसी था, कुछ चरसी थे, चरसियों में आपस में बड़ी मोहब्बत होती है क्योंकि उनको पता है हमारा जीना मरना एक साथ है। सब ने हमें घर हीरोइन ची, सॉरी चरसी तो आजकल सुने हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी माजरत पी रहे हैं, हीरोइन ची हीरोइन ची। तो चंद हीरोइन ची थे, उनमें बड़ी मोहब्बत होती है जी। अच्छा, जहाज इसलिए कहते हैं वो आसमानों पे रहते हैं ना। एक हीरोइनची से किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि हीरोइन पी के इंसान को ऐसा लगता है कि चांद पे पहुंच गया है, क्या ये दुरुस्त है? तो वो कहता है तो मैं अभी क्या जमीन पे बैठा हुआ हूं क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं अभी क्या जमीन पे नजर आ रहा हूं। तो वो एक आदमी गया ना डॉक्टर साहब के पास, कह रहे मुझे वहम हो गया कि मैं बंदर तो नहीं हूं। तो उन्होंने कहा पंखे से उतरोगे तो इलाज करूंगा ना भाई। सुने ना तो यकीन कर लेता है, आंखों में एविरार था, थोड़ा सा महंगापन था आंखों में उनके। उसे कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराती थी, तो एक लड़की ने सोचा पैसे वाला आदमी है तो पैसे निकालो इससे, दोस्ती करो। तो उसकी तारीफ की, तुम्हारी लोग कहते हैं तुम्हारी आंखें खराब है, तुम्हारी आंखें तो फला फिल्म स्टार से मिलती हैं। ये बेचारे खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि मेरी आंखें टेढ़ी मेढ़ी होके भी माशाल्लाह इतनी हसीन है। तो एक दिन इसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि जरा मेरी आंखों में आंखें डालो। रुको जरा, सबर करो। और आंखें करीब करके, आंखों में आंखें डाल के गौर से देख के बताओ कि फला एक्टर से मिलती है कि नहीं मिलती। इस दोस्त ने जब आंखें आंखों में डाली, काफी देर गौर करके कहा कि ये तो आपस में नहीं मिलती।